देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का आज 99वां जन्मदिन है। देश सहित उनके गृह नगर ग्वालियर में भी उनका जन्मदिन पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। शिंदे की छावनी स्थित कमल सिंह के बाग में अटल जी का पुस्तैनी मकान है। आज सुबह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके सिद्धांतों का अनुसरण करने का संकल्प लिया। इस दौरान महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार, क्षेत्रीय सांसद विवेक सेजवलकर, अटल जी के भांजे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार सहित भाजपा और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में शहर के राजनेता, समाजसेवी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जन्म शताब्दी के रूप में ग्वालियर में भी काफी कार्यक्रम अनेकों हो रहे हैं। हम सबके लिए अत्यंत गौरव की बात है कि माननीय शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब सभी शहरों में गौरव दिवस मनाने का परंपरा उन्होंने प्रारंभ की थी और ग्वालियर में ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में अटल जी का जन्मदिन के रूप में हम उसको मनाते हैं। कार्यक्रम है, शाम को भी हैं। अटल जी के एक तरह से कवि अटल जी के को लोगों से परिचित कराने के लिए हम लोगों ने अपने अटल प्यारे अटल भी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कल अच्छा कवि सम्मेलन उसमें हुआ था। हम सब अटल जी को याद करते हैं। अटल जी ग्वालियर वासियों के मन में है और उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता और अटल जी के बारे में ग्वालियर वासियों को कुछ कहने की ज़रूरत पड़े इसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता। मेरी ओर से, हम सब की ओर से अटल जी के स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कोशिश करेंगे कि जो सपने अटल जी ने देखे थे। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी भारत पूर्व प्रधानमंत्री की आज जन्म जयंती पर सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अभी यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की है, अब प्रत्येक वार्ड के पोलिंग बूथ पर भी पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। ये मध्य प्रदेश का अपना कार्यक्रम है, गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। अटल जी की सोच जो थी वो सबको लेकर चलने की सोच थी और राजनीतिक दल अपनी जगह है। अटल जी का सदैव, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो चाहे उनकी जयंती हो, हम लोग हमेशा उपस्थित रहे हैं और उनको आज पुष्पांजलि अर्पित करके उनका जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए, वो पार्टी से ऊपर के स्तर के नेता थे, राष्ट्रीय स्तर पे, और उन्होंने हमेशा देश के हित में काम किया और मैं अपनी ओर से उन्हें नमन करता हूँ। अटल जी का जन्मदिन है, सभी ग्वालियर वासियों के लिए खुशी का अवसर है कि आज अटल जी का हमारा जन्मदिन हम सब ग्वालियर वासी मना रहे हैं। अटल जी का जो व्यक्तित्व था, उनका जो कृतित्व था, वो उस पार्टी से हटकर था और इसलिए सभी ग्वालियर वासी, सभी जाति धर्म के लोग, सभी समाजों के लोग, सभी पार्टियों के लोग उनके जन्मदिन को मना रहे हैं।